हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं बाल्मीकि स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme UI के टॉप 10 ऐसे फीचर्स जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप Realme का मोबाइल चलाते हैं तो आपको Realme UI के ये टॉप 10 फीचर्स जो हैं वो जानने बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप कुछ नहीं जानते हैं। और ये जो टॉप 10 फीचर्स हैं ये बहुत ही यूजफुल आएंगे डे टू डे लाइफ में, ये बहुत ही यूजफुल होंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें जो सबसे पहला Realme UI का हिडन फीचर है वो ये है कि आप अपने बैटरी का कुछ परसेंट सेव कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कभी कोई काम करना हो और आपके पास बैटरी कम बची हो, तो आप उस फंक्शन को ऑन करने से आप अपने मोबाइल की बैटरी लाइफ को और बढ़ा सकते हैं 10% तक, जितना बैटरी को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको वहां से बैटरी वाले सेक्शन में चला जाना है। बैटरी में जाने के बाद आपको यहां पे जो स्क्रीन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन लिखा है इस पर क्लिक कर देना है और आपको यहां पे सुपर पावर सेविंग मोड पे रख देना है। इससे क्या होता है कि आपकी जो मोबाइल की बैटरी है वो 10% तक इंक्रीज हो जाएगी। इसमें जो दूसरा हिडन फीचर्स है जो कि आप सबके लिए, हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, जो कि Realme UI में मिलता है, इसमें आप अपने मोबाइल के जो बैकग्राउंड में अनवांटेड एप्लीकेशन है, जिसको मान लीजिए आपने बहुत दिनों तक नहीं चलाया है लेकिन वो फिर भी आपके बैकग्राउंड में, मोबाइल के बैकग्राउंड में चलती रहती है और डेटा और इंटरनेट कंज्यूम करती रहती है और बैटरी का भी ज़्यादा उन लोग यूज करते हैं, उसको बंद करने के लिए Realme UI में एक फीचर्स है जिससे कि आप उस एप्लीकेशन को फ्रीज कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले अपने सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग में जाना होगा। एडिशनल सेटिंग में आप यहाँ पे चले जाइए और आपको यहाँ पे प्रोसेस मैनेजर दिखेगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो सब आपको दिख जाएंगी कि कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो कि हमारे बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। और आपको यहाँ पे सिस्टम ऐप भी दिखेंगी जो कि सिस्टम की एप्लीकेशन है जो कि चलती रहती हैं। तो आप यहाँ से थर्ड पार्टी में मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन है उसको देख के, मान लीजिए जैसे गेम स्पेस है, इसको मेरे को बंद करना, तो इसके बाद में जो डॉट वाला ऑप्शन बना है उस पर आपको क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर दिखेगा गेम स्पेस इंडेड। जियो टीवी है, इसको मैं यहाँ से इसको फ्रीज कर सकता हूँ। ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल फीचर हो सकता है। Realme UI में पहले कलर OS सिस्टम चल रहा था, इसके बाद जब कंपनी ने इसको अपग्रेड करके Realme UI को लॉन्च किया तो इसके अंदर हमको एक फीचर्स मिला जिसका नाम है ऐप ड्रावर। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐप ड्रावर पसंद नहीं आता है, वो सिंपली वो स्टैंडर्ड मोड में ही यूज करना चाहते हैं, तो उनको ये सब पसंद नहीं आता। उसको बंद करने के लिए आप सिंपली अपने स्क्रीन के ऊपर प्रेस करके रखिए और आपको यहाँ पे जो सेटिंग वाला ऑप्शन आएगा इस पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि होम स्क्रीन मोड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड मोड और ड्रावर मोड, आप यहाँ से इसको स्टैंडर्ड मोड कर देंगे और अप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो ड्रावर ऑप्शन है वो हट चुका है और ये जितने भी एप्लीकेशन है वो इस पर आ गई हैं एक स्टैंडर्ड मोड के अंदर। Realme UI में जो चौथा हिडन फीचर्स है जो कि बहुत ही बढ़िया, मेरे को बहुत ही यूजफुल लगा, इसके अंदर क्या होता है कि जिस एप्लीकेशन को आप ज़्यादातर यूज करते हैं, फ्रिक्वेंटली जिस एप्लीकेशन को यूज करते हैं, वो क्या करता है, एक ऊपर एक बार बनाकर दिखा देता है आपको ऐप प्रिडिक्ट में और उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके मोबाइल के अंदर ये इनेबल हो, लेकिन जिनके मोबाइल में ये इनेबल नहीं होता है या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनको ये पसंद नहीं आता है, तो उन लोग इसको बंद करने के लिए आप यहाँ पे अपने स्क्रीन के ऊपर सिंपली प्रेस करके रखिए, उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग दिखेगा, उस सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे तीसरे नंबर पे शो ऐप प्रिडिक्शन लिखा है, उसको आप यहाँ से इनेबल और ऑन या फिर डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर आपको ये फीचर्स पसंद आए तो इसको आप इनेबल कर दीजिएगा और पसंद ना आए तो इसको डिसेबल कर दीजिएगा। मेरे को तो पसंद आया क्योंकि जिस एप्लीकेशन को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो सिंपली हमको ऊपर ही दिख जाता है, तो हम डायरेक्टली उस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे जो हमारा ऊपर जो दिख रहा है सेटिंग है, व्हाट्सअप है, क्योंकि ये सब मैंने अभी फ्रिक्वेंटली यूज किया था इसलिए ये ऊपर ऐप प्रिडिक्शन में दिखा रहा है। अगर आप बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ, अब आप देखेंगे कि जो हमारा ऐप प्रिडिक्शन है उसके अंदर ये गूगल क्रोम आ गया होगा कि यहाँ पे गूगल क्रोम आ गया है। वैसे आप इसे फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब तक क्या होता था कि किसी भी मोबाइल के अंदर जब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ हम जो माइक्रोफोन का ऑडियो है, मतलब जो बाहर की ऑडियो है उसी को हम
रिकॉर्ड कर पाते थे। अगर हमको किसी मोबाइल के इंटरनल ऑडियो को भी रिकॉर्ड करना हो तो ये फीचर Realme UI में मिलता है। आपको सिंपली अपने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में चले जाना है, वहाँ से आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखेगा। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अभी मैंने खुद इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है रिकॉर्ड सिस्टम साउंड और रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड। आप इसमें दोनों एक साथ भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप कोई पबजी खेल रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो आप इस फीचर का यूज करके जो पबजी के अंदर का जो इंटरनल साउंड होता है उसको भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। या फिर कोई भी काम आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो उसके अंदर जो इंटरनल ऑडियो है और माइक्रोफोन का ऑडियो है, ये दोनों को एक साथ ही आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। Realme UI में एक फीचर्स मिलता है जिसकी मदद से आप अपने पर्सनल डेटा या फिर पर्सनल जो फोटोज़ वीडियो हैं एप्लीकेशन है, इसको आप प्राइवेटली सेव भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको स्वाइप डाउन करना है नीचे की तरफ और आपको यहाँ पे प्राइवेसी करके मिलेगा ऑप्शन, उस पर क्लिक कर देना है। प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद इसको स्वाइप डाउन करने पर आपको एक प्राइवेट सेव करके ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, मैंने बहुत ही सिंपल पासवर्ड रखा है, आप कोई बढ़िया पासवर्ड रखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखेगा ऑप्शन फोटो ऑडियो डॉक्यूमेंट अदर्स। आप यहाँ से मान लो कि मेरे को कोई फ़ोटो प्राइवेट में रखना है तो मैं फ़ोटो पर क्लिक करूँगा और यहाँ से जो प्लस वाला आइकन है यहाँ से मैं इसको प्लस करके जो उस फोटो को भी मेरे को रखना है, मान लीजिए मैं इस फोटो को रखना है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और इसको मैंने यहाँ से डन कर दिया। अब डन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये वाला फ़ोटो जो है यहाँ पे आ चुका है। अब आप यहाँ से इसको देख सकते हैं और दूसरे लोग से भी इसको बचा सकते हैं। अब ये फीचर्स बहुत ही बढ़िया है, लेकिन क्या है ये सेटिंग के अंदर बहुत अंदर तक है, इसलिए Realme UI में एक शॉर्टकट भी है इसको ऑन करने के लिए। आपको सिंपली अपने फाइल मैनेजर में चले जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी दिख रहा है या फिर रिसेंट है, ये दोनों में से किसी एक के ऊपर क्लिक करके रखना है। मैं यहाँ से कैटेगरी पे क्लिक करके रखता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये हमारा प्राइवेसी पासवर्ड मांग रहा है। जैसे मैं यहाँ से पासवर्ड डाल दूंगा तो ये मेरे को उस वाले सेक्शन पे लेकर जाएगा जो कि मैंने आपको सेटिंग से खोल के बताया था। अब यहाँ पे मैं फोटो पे क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ से वो फोटो दिख जाएगा, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया फीचर है अपने किसी भी डॉक्यूमेंट या फिर फोटो को वीडियो को सेव करने के लिए, क्योंकि किसी को भी पता नहीं चलेगा और किसी को पता भी चल गया तो कोड मांगेगा। जब तक वो कोड को कोई भी इंटर नहीं करेगा तब तक वो इस वाले जो प्राइवेट सेफ सेक्शन है इसमें वो इंटर नहीं होने देगा। आजकल हैकिंग और डेटा लीक का मामला बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, इसलिए Realme UI में एक फंक्शन मिलता है जिसकी मदद से आप किसी भी एप्लीकेशन को वो डेटा तो देंगे। मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन है वो आपकी कॉल हिस्ट्री को या फिर फ़ोन बुक की वो परमिशन तो मांगते हैं, लेकिन अब परमिशन मांगने के बाद वो हमारे जो डेटा है, कॉल हिस्ट्री है, फ़ोन बुक है, हमारी गैलरी है, ये सब का भी उन लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन Realme UI में एक ऐसा सेक्शन मिलता है, फंक्शन मिलता है, इसकी वजह से आप उन सभी एप्लीकेशन को परमिशन तो दे देंगे, लेकिन ये हमारा जो Realme UI है उन लोग को जो डेटा भेजेगा वो ब्लैंक आएगा। मान लीजिए किसी एप्लीकेशन ने अगर कॉल हिस्ट्री मांगी है, हमने उसको अलाउ कर दिया है, लेकिन अगर आप इस फीचर्स को इनेबल कर देते हैं तो उसके बाद ये जो हमारा Realme UI है वो क्या करता है, जो कॉल हिस्ट्री है वो उसको ब्लैंक भेजता है। मतलब कि कॉल हिस्ट्री में कुछ भी या फिर कोई भी नंबर वहाँ पर नहीं दिखेगा, कोई भी गैलरी होगा तो वहाँ पर भी कोई फ़ोटो उसको सेंड नहीं करेगा, सिर्फ वो गैलरी का परमिशन देगा लेकिन जो भी उसको डिटेल्स देगा वो ब्लैंक रहेगी। तो इसको ऑन करने के लिए आपको अपने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे प्राइवेसी में चले जाना है। प्राइवेसी में जाने के बाद आपको नीचे स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना और आपको यहाँ पे स्मार्ट प्रोटेक्शन मिला है जो ऑन करने को बोल रहा है, इसको आप सिंपली ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद आप आगे से श्योर हो सकते हैं कि आपका डेटा जो भी डॉक्यूमेंट है, आपका जो डेटा है वो सेफ है। आप यहाँ से मैनुअली भी चेक कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रोटेक्ट कॉल हिस्ट्री है तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन एप्लीकेशन है जो कि कॉल हिस्ट्री मांगता है। तो जैसे मैं इसको देखता हूँ तो आपको यहाँ से देख सकते हैं व्हाट्सअप हो गया, ट्रू कॉलर हो गया, ये सब हमारी कॉल हिस्ट्री को मांग रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको ऑन भी कर दूँ तो भी हमको डरने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा Realme UI है उन सभी को ब्लैंक हिस्ट्री देगा।
इसके अंदर Realme UI का जो 8वां फीचर्स है, आपने शायद आप लोगों को बहुत सारे लोग को पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं है। Realme UI में एक फीचर है जिसकी मदद से आप स्क्रीन पर कहीं भी स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको जो हमारा नोटिफिकेशन पैनल है वो खुल जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अब तक पता नहीं है, आप जो स्क्रीन पर स्वाइप डाउन करते हैं तो वो ग्लोबल सर्च में चला जाता है, लेकिन आपको नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करना है तो आपको सिंपली अपने स्क्रीन के ऊपर टैप करके रखना होगा। उसके बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ग्लोबल सर्च और नोटिफिकेशन ड्रॉवर लिखा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए और आपका काम हो गया। अगली बार से जब आप स्क्रीन पर स्वाइप डाउन करेंगे तो वो सीधे नोटिफिकेशन पैनल ही खुलेगा। आजकल क्या होता है कि जितने भी मोबाइल है वो बहुत बड़े बड़े आते हैं, जिनको वन हैंड में यूज करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा काम पड़ जाए जिसमें आपको वन हैंड पे यूज करना पड़ता है, तब आप उसको आसानी से यूज नहीं कर पाते हैं। लेकिन Realme UI में एक फंक्शन मिलता है जिसकी मदद से आप उसको वन हैंड मोड में यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले अपने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे कन्वीनियंट टूल्स मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नेविगेशन बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखेगा पुल डाउन टू इंटर वन हैंड मोड, इसको आपको ऑन कर देना है। अब ऑन कर देने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जो हमारा होम बटन है वहाँ से उसको नीचे की तरफ डाउन कर, मतलब कि नीचे की तरफ करना है। जैसे आप उसको नीचे की तरफ करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये वन हैंड मोड में चला गया है। आप इसको आगे पीछे यहाँ से जो बटन दिए हैं इससे मदद से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कि ये किस तरफ होना चाहिए। उसके बाद आपको ये फील अपने फुल वर्जन में चाहिए तो आपको यहाँ से क्लिक कर देना है और इसको आप फुल स्क्रीन पे यूज कर सकते हैं। इसमें जो 10वां फीचर्स है वो बहुत ही बढ़िया है और ये यूजफुल भी है। आप इसके अंदर एक ही समय पर अपने ब्लूटूथ एयरफोन का भी यूज कर सकते हैं और अपने वायर्ड एयरफोन का भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके घर में कोई दो आदमी है जो कि आपको ये मोबाइल में गाना सुन रहे हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, तो दोनों आदमी एक साथ, कोई एक आदमी वायर्ड एयरफोन का यूज कर लेगा और दूसरा आदमी ब्लूटूथ एयरफोन का यूज कर लेगा, और दोनों आदमी एक ही समय पर एक ही गाना अलग अलग दूर बैठे भी सुन सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली अपने मोबाइल के अंदर सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप उसको नीचे की तरफ स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे Realme लैब दिखेगा। यहाँ पे इसको अंदर जाने के बाद आपको दिखेगा कि ड्यूल मोड म्यूजिक शेयरिंग। अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर जैसे ही आप ब्लूटूथ और वायर्ड एयरफोन दोनों को ही कनेक्ट करेंगे तभी ये ऑप्शन आपको शो होगा और यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। इस फीचर्स की सबसे बढ़िया बात ये है कि आप एक ही समय पर, मान लीजिए कोई एक आदमी गाना सुन रहा होगा और दूसरा आदमी उसके फ़ोन के साथ बात भी कर सकता है इस फीचर्स की मदद से। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो देखते देखते, अगर आपने यहाँ तक आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसलिए मैं आपको, और आप यहाँ तक आए हैं तो इसलिए मैं आपको दो ट्रिक्स और बताता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगी। पहला ट्रिक्स तो इसमें यह है कि हमारा जो रिसेंट टैब होता है उसके अंदर क्या होता है कि हमको बताता नहीं है कि कितना रैम हमारा अभी यूज हो गया है या कितना रैम हमारा बचा है। तो इसको करने के लिए आपको सिंपली अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग मिलेगा, इसके अंदर चले जाना है और वहाँ से आप देखेंगे कि आपको एक रीसेंट टास्क मैनेजर मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे दिखेगा डिस्प्ले रैम मेमोरी इन्फॉर्मेशन फॉर रीसेंट टैब्स टास्क, इसके ऊपर ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद आप जैसे इसके देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे 4GB में से 1.5GB रैम अभी अवेलेबल है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। 12वें नंबर पे जो फीचर्स है, जो कि लास्ट फीचर है, ये बहुत ही बढ़िया है। इसकी मदद से आप कोई भी काम आसानी से और जल्दी से कर सकते हैं। ये एक प्रकार का शॉर्टकट टाइप में है जिसका नाम है स्मार्ट साइड बार। इसको ऑन करने के लिए आपको अपने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे कन्वीनियंस टूल्स मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए और आपको यहाँ पे स्मार्ट साइड बार मिलेगा, इसको आप ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद ये आप इसको देख सकते हैं कि ये हमारे मोबाइल में आ जाएगा। अब आप इसकी वजह से आपको सिंपली इस पर ऐसे स्वाइप डाउन करेंगे, इस साइड खींचेंगे आपको तो ये आपको दिख जाएगा और आप यहाँ से बहुत सारे जो आपके अंदर मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन है उसको ऐड कर सकते हैं और आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।